तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी को तोड़ने की तैयारी में कांग्रेस, कई विधायक बदलेंगे पाला। बीआरएस के 39 में से 26 विधायकों को तोड़ने की कोशिश शुरू। बीजेपी के भी विधायकों पर कांग्रेस में शामिल होने का दबाव। रेवंत रेवड़ी का शपथ ग्रहण होने के बाद से ही बीआरएस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वैसे संकट बीजेपी पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी विधायकों को केंद्र सरकार का डर है, खासतौर पर ईडी और आईजी का। ऐसे में बीआरएस विधायक इस समय कांग्रेस का टारगेट बनते दिखाई दे रहे हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद रेवंत रेड्डी दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और इस दौरान बीआरएस में टूट को लेकर उन्हें हरी झंडी मिल गई है। कहा जा रहा है कि बीआरएस के 12 से 15 विधायक कांग्रेस में आने को तैयार हैं, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि विधायकों की संख्या 26 तक पहुंचा दी जाए तो आसानी से दलबदल कानून से बचा जा सकेगा। दरअसल बीआरएस को 39 सीट मिली है, ऐसे में दलबदल कानून से बचने के लिए 26 विधायकों का दलबदल जरूरी है, जबकि अभी संख्या 15 के करीब तक पहुंच गई है। ऐसे में विधायकों को इस्तीफा देकर ही कांग्रेस में जगह दी जा सकती है। फिलहाल रेवंत रेड्डी की सरकार पर किसी तरह का संकट भी नहीं है, इसलिए पार्टी अभी कुछ दिनों तक बीआरएस में नाराजगी को और बढ़ते देखना चाहती है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस में बड़ी बगावत होगी। कांग्रेस को ये पता है कि बीआरएस चुनाव जरूर हारी है, लेकिन वो कमजोर नहीं हुई है, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस को कमजोर करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है और जल्द ये दिखाई भी देगा। एक महीने के अंदर केसीआर की पार्टी में टूट दिखाई दे जाएगी। दरअसल बीआरएस के टिकट पर जो विधायक चुनाव जीते हैं उसमें से कई कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और पिछले 5 सालों में उन्होंने दल बदल किया था और बीआरएस में शामिल हो गए थे। ये विधायक अब कांग्रेस में वापसी के लिए तैयार हैं और रेवंत रेड्डी से उन्होंने संपर्क भी साधा है। रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी से इन्हीं विधायकों को लेकर बात भी की है और राहुल गांधी ने भी उनके कांग्रेस में वापसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। रेवंत रेड्डी एबीवीपी में रह चुके हैं, ऐसे में उन्हें बीजेपी की कार्यशैली का भी एहसास है और वो अपनी सरकार को पूरी मजबूती से चलाने की तैयारी में है। दरअसल कांग्रेस को एक चिंता बीजेपी के खरीद फरोख्त की ही नीति को लेकर भी है। जिस तरह से बीजेपी विरोधी दलों की सरकार को गिराने के लिए उनके विधायकों को जांच एजेंसियों का डर दिखाकर या खरीद फरोख्त की मदद से गिरा रही है, उससे रेवंत रेड्डी पहले से ही सतर्क है। तेलंगाना में कांग्रेस के पास विधानसभा में बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 4 विधायक ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस की ओर से अभी से ही बहुमत के इस आंकड़े को और मजबूत किया जा रहा है। पार्टी की पूरी कोशिश है कि विधायकों की जो संख्या 64 है वो 75 के करीब पहुंच जाए, जिससे 5 साल तक सरकार पर किसी तरह का संकट ना आए, क्योंकि ऐसी स्थिति में विपक्षी दलों के पास 44 से ज़्यादा विधायक नहीं बचेंगे और अगर 30 विधायक टूटते भी हैं, जो आसान भी नहीं होगा, तो भी सरकार पर किसी तरह का संकट नहीं आएगा। इसके साथ ही बीआरएस की लगाम कसने के लिए पिछले 10 सालों में हुए कथित भ्रष्टाचार के जांच करने के आदेश भी रेवंत रेड्डी ने दे दिए हैं। दरअसल पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस बीआरएस सरकार खासतौर पर के चंद्रशेखर राव के परिवार के लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है और अब जब सरकार कांग्रेस की बन चुकी है तो रेवंत रेड्डी ने केसीआर परिवार के साथ ही उनकी सरकार के समय की कथित गड़बड़ियों की जाँच के आदेश दे दिए हैं। साफ है आने वाला समय केसीआर के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। उन्हें पार्टी बचाने के साथ ही खुद पर आने वाले संकट से भी बचने के उपाय करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।